हेलो जी, नमस्ते जी। आज मैं आपको हल्दी दिखा रही हूँ। पूनम गौतम्स क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। तो चलिए हल्दी निकालती हूँ। देखिए ये गमला है, मैंने आपको कई बार दिखाया भी था। इसके अंदर मैंने बाल्टी है, मतलब ये इसके अंदर मैंने हल्दी लगाई थी। और अब ये हमारी हल्दी पक कर तैयार हो गई है। एक ये दूसरे वाला है, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें थोड़ी है, एक और है छोटा सा छत पे। देखती हूँ उस पर भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। स्टैंड पे रखे हुए हैं मैंने ये, क्योंकि ये छज्जे पे ही है। छज्जा ज़्यादा चौड़ा तो होता नहीं है, रेलिंग जैसे आपको दिखाई भी दे रही है। तो इसमें से अब मैं इसको निकालूंगी। ये मैंने चमचा ले रखा है, इसी को ही मैं खुरपी की तरह इस्तेमाल करती हूँ। और ये मैं दस्ताना पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में ये फंगल इन्फेक्शन है। इसलिए मैं आजकल पौधों का काम कम ही करती हूँ, क्योंकि मिट्टी से एलर्जी हो गई है। तो दस्ताना पहन लेती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ तब भी पहनने पड़ते हैं। अब इसको पहन के और फिर मैं एक ही हाथ में पहन लेती हूँ, दूसरे से नहीं काम नहीं होएगा। फिर उसको मिट्टी में यूज़ नहीं करने दूँगी बिल्कुल भी, आराम से करूँगी। और ये सारी मिट्टी खोद लूँगी मैं इसको। और ये इसके अंदर मैंने जो नान दिखाई दे रही है, फूटी हुई है नीचे से, है पीतल की लेकिन नीचे से फूटी हुई है। तो इसमें हवा का आदान प्रदान होता रहता है। इसमें मैंने आलू लगाए हुए हैं, तो इसमें काफ़ी आलू हो गए हैं। और इसमें मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, जैसे आधी है ये, तो इसको भरते रहेंगे धीरे धीरे, ऐसे चढ़ाते रहेंगे। तो मैंने सोचा इसमें से हल्दी निकालनी तो है ही, तो क्यों ना इस मिट्टी को इसमें यूज़ कर लिया जाए। वैसे भी हल्दी एंटीबायोटिक होती है, तो कीड़ा भी नहीं लगेगा। और हल्दी के बहुत गुण हैं। जैसे हम तो जब से ये कोरोना हुआ है तो डेली रात को दूध में थोड़ा सा डाल के पका के और फिर यूज़ करते हैं। हल्दी जैसे चोट वोट लग जाती है तो उसके ऊपर भी यूज़ लगाते हैं, खून बंद हो जाता है। वैसे भी बहुत सारे इसके आयुर्वेदिक उपचार होते हैं, वो फिर कभी आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको यही दिखा देती हूँ निकाल के। देखिए कैमरे में कमी दिखाई दे रहा था। ये आलू एक और है, इसमें भी डाल देती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ निकाल के, क्योंकि एक तो मिट्टी बिल्कुल चिकनी हो चुकी है बारिश का पानी में गिर के। तो आराम आराम से ही निकालूंगी इसके अंदर से। अब की बार वैसे कम ही निकली है, पिछली बार ज़्यादा थी। देखिए ये दिखाई दे रही है ना आपको, ये पीली पीली सी, ये सारी इसमें हल्दी है, गांठ है इसके अंदर। इसको धो के अभी साफ़ करके जब दिखाऊंगी। इसमें मैंने एक गलती कर दी अब की बार। जैसे मैं क्या, ताकि मिट्टी तो इतनी यूज़ नहीं करती हूँ, तो घर में जो भी होता है वेस्ट मटेरियल उसको यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने नारियल के जो छिलके थे ना ऐसे ही डाल दिए। ये क्या हुआ कि इसको बढ़ने से रोक देते हैं, ऐसी जैसे कंकर पत्थर होते हैं ना, इसी कारण। ये देखिए हल्दी दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए। अब इसको साफ करेंगे ना, तब इसमें से निकलेगी अच्छी अच्छी हल्दी। देखिए मोटी मोटी गांठें हैं इसके अंदर, मतलब ज़्यादा मोटी तो नहीं है, उंगली जितनी ही मोटी है। अभी मैं इसको धोऊंगी टोकरे में डाल के, फिर आपको दिखाऊंगी। ये दूसरे वाले का भी निकाल लेती हूँ, ये तो और भी ज़्यादा गीला हो चुका है। इसके अंदर से भी निकालते हैं। इसमें तो एक ही छोटा सा मतलब निकला हुआ था, ज़्यादा नहीं निकली हुई थी इसके अंदर। अब इसमें से भी मैं निकाल लेती हूँ हल्दी, जितना भी निकलेगा आपको दिखाऊंगी साफ करके। पिछली बार तो काफ़ी निकल गई थी, अब की बार मैं सोच रही थी कि कम से कम, मैंने 3 बाल्टियों में लगा रखी थी तो कम से कम 1 किलो तो निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि बीच में क्या हुआ कि 2-3 बार बंदर इसको उखाड़ जाते हैं, और फिर मैं इसको फिर लगा देती, और ज़्यादा केयर भी नहीं कर पाई मैं अब की बार। क्योंकि मैंने जैसे आप बताती हूँ, ज़्यादातर मेरे हाथ में प्रॉब्लम रहती है। बस यही है, देखिए ये निकली ना, ये निकल गई इसमें से हल्दी। ऐसी गांठें निकलती हैं लेकिन कम है, पिछली बार की से तो कमी है। अब इनको मैं धो लेती हूँ अच्छी तरह। ये पानी जो साफ निकलेगा उसको मैं गमलों में ही डाल दूंगी। ये देखिए इसके अंदर से गांठे गांठे दिखाई दे रही हैं, ये हल्दी हैं। अभी मैं सारी को धो लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, तोड़ के ही दिखा दूंगी, एकदम से साफ करने के बाद ही दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा इसको साफ करके, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है तो इतना अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगी मैं। सारी निकाल के और साफ करके, ये देखिए मैंने धो तो ली है, अब इसको साफ करके भी दिखाती हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह है,
तोड़ के और अच्छे साफ पानी में भी साफ करके तब आपको दिखाती हूँ। देखिए ज़्यादा तो नहीं है, हाँ पर ये है कि दूध में तो काम चली जाएगा कुछ महीने का, इसमें से ही अब की बार मैं नहीं लेके ही लगाऊंगी काठ, पिछली बार मैंने उसी को छोड़ दिया था इसके अंदर तो उसमें शायद कम नहीं हुई। ये देखिए ये निकली है, करीब आधा किलो के करीब हैं ये। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कम हैं जी।